everyone, welcome to फिलहाल मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार और ये दिल्ली देहरादून हाईवे है इसके जस्ट पीछे ही, और ये बहुत ही बड़ा फील्ड है जो कि चमगादड़ टापू बोलो या आप यहाँ पर पहले गाड़ियाँ वगैरह सब पार्किंग होती थी, तो पार्किंग की जगह पर फिलहाल आप ये जो इतनी भीड़ भाड़ और भीड़ भाड़ का देख रहे हैं, एक मेला टाइप देख रहे हैं, और इसके अंदर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ, सभी कुछ बताऊँगा कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा वो कब होगा इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल सामने जो है पूछताछ केंद्र बनाया गया है और यहीं पर आप आके इंक्वायरी कर सकते हैं बहुत ही बड़े में, मैं वो बाद में दिखाऊंगा, पहले सबसे पहले जी भैया जय श्री राम। जी भैया, ये कार्यक्रम एक सद्भावना सम्मेलन के नाम से बैसाखी महोत्सव हरिद्वार के चामुंडा टापू पार्किंग में श्री गुरु महाराज जी जो हमारे इष्ट देव हैं, एक आध्यात्मिक गुरु हैं श्री शत्रुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के, उनके दिशा निर्देशन में हम इसको मना रहे हैं। और यह कार्यक्रम 13, 14, 15 अप्रैल 2024 को इस प्रांगण में मनाया गया। ये बैसाखी महोत्सव के नाम से मनाया गया, यह पूछताछ केंद्र है और यहाँ पर हजारों की संख्या में स्वयंसेवक लगे हुए हैं गुरु महाराज जी के, जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर भोजन व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है निःशुल्क, और यहाँ पर शाम को 13, 14, 15 अप्रैल 2024 को सत्संग प्रवचन हुआ और उसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों ने भाग लिया और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। तो मेरा आप सभी से भी अनुरोध है, आज अंतिम दिन है, आप सभी आए और इस भव्य कार्यक्रम का लाभ उठाएं। मैं जयप्रकाश पाल किला बिजनौर से आया हूँ। ये मानवोत्थान सेवा समिति का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ बैसाखी महोत्सव हो रहा है, श्री सतपाल जी महाराज इसके संचालक हैं। और नमस्कार, मैं रेनू गोंडा से, ये यहाँ बैसाखी का कार्यक्रम मानवोत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है हमारे पूज्य श्री सतपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशन में। और यहाँ हम लोग, हमारा संस्था का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारे जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु पर था, उसी राह पर लाने के लिए हमारे गुरु महाराज जी लगे हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जितने भी हमको आधुनिक इस वर्तमान समय में आधुनिक युग में हम भौतिकता और अध्यात्म का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक आत्म कल्याण या विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। इसी भौतिक और आध्यात्मिक समन्वय के लिए, इसकी चेतना को जागृत करने के लिए हमारे महाराज जी अग्रसर हैं और हम लोग भी उन्हीं के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो सामने जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत ही बड़ा ये पंडाल है, देख रहे हैं आप यहाँ पर भीड़ किस तरह लगी हुई, और शाम को 6 बजे से यहाँ पर ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है। कहाँ से आए हम? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर से। कैसा लग रहा है आपका आगे? कैसा लग रहा है आगे? यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके अलावा इनका यहाँ एक आश्रम है जिसका नाम है प्रेम नगर आश्रम, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और यहाँ तक कि आप हर एक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि हरिद्वार हर की पौड़ी या फिर घाटों पे कहाँ नहाना चाहिए और कहाँ पर नहीं, कहाँ पर दो लड़के डूबे हैं उनको बचा पाए या नहीं बचा पाए, क्या हुआ उनके साथ, वो वीडियो पर आप ज़रूर देखना। तो जैसे कि आप फिलहाल सामने देख रहे हैं, संस्था की तरफ से यहाँ पर डॉक्टर की टीम भी बुलाई गई है जो आपका फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पर कर रही है, और यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप यहाँ पर जाकर भी इस तरह दिखा सकते हैं, और फ्री दवाइयाँ और फ्री चेकअप यहाँ पर चलता रहता है। इसके अलावा जो सतपाल महाराज जी हैं उनका एक आश्रम है, और वो आश्रम आपके यहीं हरिद्वार में है, जिस उस आश्रम में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी रहने की बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं और खाना पीना सभी कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा वहाँ पर बैक साइड में एक घाट है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप लोग कहाँ से आए? अयोध्या से आए हैं, महाराज जी का प्रोग्राम शूट करने।
हम लोग यहाँ से प्रेमनगर आश्रम पे ही रुके हुए हैं और यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम जो महाराज जी का होता है उसके रिगार्डिंग में हम लोग प्रचार प्रसार यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा श्री सुखपाली महाराज, हम हमेशा आते हैं यहाँ पे और हमें यहाँ पे आने के बाद एक सुकून मिलता है, हम बहुत अच्छा लगता है हमें आने के बाद यहाँ पे। ये जो जैसे यहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं आंध्र प्रदेश पंजाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आंध्र प्रदेश से आए वो लोग यहाँ पे पंजाब यहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश के बाद आपको बोर्ड दिखाई दिया होगा, देखिए नागालैंड, यानी वहाँ से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से। ये बराबर में इसके आसाम है और आसाम के बाद देखिए अगला जो नंबर है मैं आपको दिखाऊँ, और ये टेंट बहुत ही बड़े बड़े में लगाया हुआ है, ये उत्तराखंड वालों का है, यहाँ से मतलब जो पौड़ी गढ़वाल बाकी जगह से आए हुए हैं वो यहाँ पर हैं। सामने देखिए ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी वाला जो बोर्ड है, और ये छत्तीसगढ़ का, इसके बराबर में ही गुजरात है, और इस तरह से पूरे देश में आप जहाँ से भी हैं बाकी इस तरह से इंतज़ाम किया गया है। सिक्किम सामने है, देखिए पटना से, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तीन दिन से आप यहीं थे, कैसा लगा आपको आके यहाँ? बहुत अच्छा, चलिए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अपने विचार, और हरिद्वार ऋषिकेश सभी तरह की इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।